आपको बता दें, अक्सर आपने देखा होगा हमारे घर में कई सारी चीज़ें हम साज सजावट के लिए लगाते हैं, या यूं कहें कि हमारा घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखे, इसलिए हम कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से अपने घर के रूम या फिर हॉल के हिसाब से घर को सजा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें परेशानी का सबब भी बन जाती हैं। और फेंग शुई की अगर माने तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको घर में लगाने से उनके मतलब कि कहें तो उनका कोई भी पोस्टर या चित्र घर में लगाने से या तस्वीर रखने से हमें मनचाही सफलता भी मिलती है और हमारे घर में इससे खुशियां भी दस्तक देने लगती हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि फेंग शुई के आधार पर अगर आप घर में हंस की तस्वीर लगाते हैं तो आपको किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहेगी और आपको लाभ ज़रूर होगा। चलिए आपको बताते हैं, घर की बैठक में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाना अच्छा माना गया है। जी हाँ, कोई भी बड़ा पोस्टर भी आप लगा सकते हैं, इससे आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में देवी देवताओं को चित्रों को लगाने से भी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति भी बनी रहती है, मनचाहा फल भी आपको मिलने लगेगा। वहीं फैमिली फ़ोटो या दूसरे फ़ोटोज़ घर में लगाना चाहिए, इससे घर में नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। वहीं आपको बताते चलें, घर में समुद्र किनारे दौड़ते हुए सात घोड़ों की तस्वीर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जी हाँ, इससे हमारे घर में खुशियाँ दस्तक देने लगती हैं और ये कहीं ना कहीं हमें लाभकारी सिद्ध होता है। वहीं पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा हो, ऐसे तस्वीरों से विचारों में सकारात्मकता आती है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वहीं हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है और हमें लाभ इसका ज़रूर होता है। वहीं आपको बता दें, सबसे ख़ास बात, रसोई घर में फलों और सब्जियों के चित्र लगाने से घर में बरकत बनी रहती है और आपको मनचाहा फल भी ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।